दोस्तों, हर मनुष्य को किसी न किसी बात की चिंता होती ही रहती है और हर मनुष्य किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चिंता में डूबा रहता है। किसी को भविष्य की चिंता सताती रहती है कि मैं क्या करूंगा, आगे जाकर मेरा जीवन कैसा होगा, क्या मैंने जो सोचा है वो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। किसी को अपने बुढ़ापे की चिंता होने लगती है। वो सोचता है कि अभी तो मैं सही सलामत हूँ, पर जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। कहीं मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया तो क्या होगा। कहीं मुझे कोई बीमारी होगी तो क्या होगा। कहीं मेरे बेटों ने मेरी सेवा नहीं की तो मेरा क्या होगा। कोई अपने धन को लेकर चिंता में रहता है कि कहीं कोई मेरा धन ना चुरा ले, कहीं मेरे व्यापार में कोई घाटा ना हो जाए। मेरे व्यापार में अगर नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा। किसी ना किसी तरह से लोग चिंता करते ही रहते हैं, पर लोग ये नहीं सोचते कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें बस चिंता से दूर रहना है, क्योंकि चिंता इंसान को अंदर ही अंदर मार देती है। और कहा भी गया है कि चिंता चिता के समान है। इंसान जिंदा तो रहता है, पर वो हमेशा बेहोशी की हालत में रहता है। हम सभी यही तो चाहते हैं कि हमें चिंता ना हो, हम इससे दूर रहें। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद आप चिंता करना भूल जाओगे और हमेशा सुखी रहोगे। बस आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, तभी आप चिंता के बारे में गहराई से समझ पाओगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था। उसका पूरा जीवन मानो तनाव से ही भरा था। वह चिंतित रहता था, परेशान रहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका पूरा जीवन ही इसी तनाव में गुजर जाएगा। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे शादी करने का तनाव था। शादी हो जाने के बाद अच्छी नौकरी और रुपए पैसे कमाने का तनाव उस पर बढ़ गया। जैसे तैसे उसे एक नौकरी मिल भी गई और वो कुछ पैसे भी कमाने लगा। लेकिन उसके बाद उसे और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण उसका तनाव और बढ़ गया। कुछ सालों बाद उसके जीवन में खुशी की लहर आई। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन अब उसके बेटे के जन्म के बाद उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उसकी जिंदगी मानो एक तनाव बनकर रह गई थी। वह इस तनाव से किसी भी हालत में छुटकारा चाहता था। वो चाहता था कि वो अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जिए। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठकर यही सब सोच रहा था कि वो अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, कैसे वो अपने उन सपनों को पूरा कर सके जिससे उसका भविष्य सुधर सके। तभी अचानक उसके सामने से कुछ सन्यासी गुजरे। उसने उन सन्यासियों को देखा जिनके मुख पर प्रसन्नता थी, जिनके मुख पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। चेहरे पर वो तेज, वो शांति देखकर वो मंत्र मुक्त हो गया। उस व्यक्ति को लगने लगा कि सन्यासियों के जीवन में कोई तनाव नहीं है, उनके जीवन में कोई कार्य नहीं है, केवल भिक्षा मांगो और चैन से जियो और शायद यही सबसे सर्वोत्तम जीवन है। ये सारी बातें उसके मन में घर कर गई। वह दिन रात इनके बारे में सोचने लगा, विचार करने लगा और आखिरकार एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर परिवार को छोड़ देगा और एक सन्यासी बन जाएगा। एक रात उसे मौका मिल गया और वह अपने परिवार के लोगों को छोड़कर निकल गया और भागता भागता उन सन्यासियों के पास पहुंच गया और उनसे कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। उन सन्यासियों ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार किया और आश्रम में रहने के लिए जगह भी दी। अब वो व्यक्ति उन गुरु का शिष्य बन चुका था। लेकिन वो व्यक्ति ये भूल चुका था कि तनाव कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है।
कोई देश नहीं है जिसे आप छोड़ सके। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न होने लगा। शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, रोज साफ सफाई करने का तनाव, और सबसे बड़ा तनाव कि मैं भिक्षा कैसे मांगू। और वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में ये होड़ लगी रहती थी कि सबसे ज्ञानी कौन बनेगा। ये सब देखकर भी उसके मन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न होने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने ये सब बड़ी ही आसानी से झेल लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी। उसे उनकी याद आने लगी। तब उसे ये एहसास हुआ कि जो तनाव वो यहाँ पर झेल रहा है, वैसा ही तनाव उसके सांसारिक जीवन में भी तो था। फिर उसने एक बार फिर से फैसला किया कि वो इस सन्यासी जीवन को छोड़ देगा और अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट जाएगा। एक रात फिर उसे मौका मिला और वो आश्रम छोड़कर जैसे ही बाहर निकल रहा था कि तभी वहां के गुरुवर ने उसे देख लिया और उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र तुम कहां जा रहे हो? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं सांसारिक जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था और उसके बाद मैंने आप लोगों को देखा। मुझे लगा कि सन्यासी जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, यहाँ पर कोई तनाव नहीं है, इस कारण मैं सन्यासी बन गया। लेकिन यहाँ पर रहने के बाद भी मुझे उस तनाव से मुक्ति नहीं मिली और मैं तो इससे छुटकारा चाहता था, लेकिन वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ से वापिस जा रहा हूँ अपने घर, अपने परिवार के पास। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन अपना तनाव यही छोड़कर जाओ। यदि तुम वापस यहाँ से वो तनाव लेकर अपने सांसारिक जीवन में जाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे और फिर तुम्हारा यहाँ पर आने का फायदा भी क्या होगा। गुरुवर की ये सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, क्या आप सही कह रहे हैं? क्या मैं ये तनाव यहीं पर छोड़कर जा सकता हूँ? क्या मुझे इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है? इस पर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, कोई समस्या ना हो, वो अपना जीवन खुशी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिला दूंगा और तुम वापस अपने घर की ओर जा सकोगे, अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकोगे। गुरुवर की ये सब बातें सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसका जीवन खुशी और खुशहाली से बीत रहा हो, जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो। वो व्यक्ति कई गांव में गया, कई नगरों में घूमा, बहुत से लोगों से मिला, अनेकों दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि उसके जीवन में कोई भी तनाव नहीं है, उसके जीवन में कोई भी चिंता नहीं है। बल्कि तनाव और चिंता की बात करते ही लोग उसे अपनी समस्याओं के बारे में और बढ़ा चढ़ा के बताया करते थे। वो उसे अपनी चिंताओं और अपने तनाव के बारे में कुछ ऐसे बताते मानो सबसे बड़ी समस्या उन्हीं के सर पर मढ़ दी गई हो। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई भी तनाव ना हो। तभी उसे एक दिन एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा, इस पूरे संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता, जो चिंता रहित होता है, और वह है शराबी, जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है, जिसे कोई बात का तनाव नहीं होता है, वह तो बस मस्त रहता है। जब उस शिष्य ने उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनी तो वह शिष्य एक शराबी व्यक्ति के पास गया और उससे जब उसने ये पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई तनाव है, तो उस शराबी ने नशे में ये कहा,
कि यह तनाव क्या होता है, यह तनाव किस चिड़िया का नाम है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर वह शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसे अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसके द्वारा वह चिंता मुक्त हो सकता है। तभी उस शराबी ने उस शिष्य से कहा, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता सताती रहती है कि अगली सुबह की मदिरा का इंतजाम मैं कहां से करूंगा। मेरे पास जो भी धन था वो तो मैंने खर्च कर दिया है। मेरी पत्नी के पास जो भी धन था वो मैंने उससे छीन लिया। अब मेरे पास कोई भी धन नहीं बचा। क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? ये सुनकर उस शिष्य की सारी खुशी मानो पल भर में गायब होगी। और धीरे धीरे रात होने आ चुकी थी। वो निराश हताश होकर एक मंदिर में जा बैठा। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का आया और उस लड़के ने उस शिष्य से कहा, हे गुरुवर, मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? इस पर वो शिष्य कहता है, इतने छोटे से बालक हो और तुम्हें अभी से चिंता सता रही है, तो बड़े होकर तुम्हारा क्या हाल होगा? इस पर उस छोटे से लड़के ने कहा, हे गुरुवर, ये चिंता या तनाव नहीं है, ये तो भूख है। मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ है तो कृपया करके मुझे कुछ दे दीजिए। उस बच्चे के मुख से ये सारी बातें सुनकर वो शिष्य एक बार फिर से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने थैले में से जो दो रोटियां रखी हुई थी वो बालक को थमा दी। जैसे ही उस बालक ने वो भोजन पूरा कर लिया, उसके बाद वो उस शिष्य से कहता है, हे गुरुवर, ना जाने मेरे अगले दिन के भोजन का क्या होगा, मुझे इसकी चिंता सता रही है, क्या आप कल भी मेरे लिए भोजन ला सकते हैं? ये सुनकर वो व्यक्ति एक बार फिर से निराश हो गया। वो भागता भागता अपने गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने हर जगह तलाश किया, कई नगर कई गांव में गया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई भी तनाव ना हो, जो अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। हर किसी को किसी न किसी चीज की चिंता अवश्य सतारी है। कोई अपनी चिंताओं को लेकर बैठा हुआ है तो कोई अपने तनाव से जूझ रहा है। जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, जिसके पास धन है वो और अत्यधिक धन चाहता है, जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम चाहता है, जिसके पास प्रेम है वह अत्यधिक प्रेम से भी चिंतित है। किसी के पास काम नहीं है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसके पास काम नहीं है, और किसी के पास काम है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसके पास अत्यधिक काम है। जो कोई बीमार है वो इस बात से चिंतित है कि उसका स्वास्थ्य कब सुधरेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे इस बात का तनाव है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। इसी प्रकार हर कोई हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है और सभी के जीवन में चिंताएं ही चिंताएं भरी पड़ी हैं। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। तभी उन गुरुवर ने कहा, इससे छुटकारा पाना संभव है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। इस पर वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, क्या है गुरुदेव, मुझे ऐसा क्या समझना पड़ेगा? मैंने हर जगह देखा, कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके जीवन में कोई भी तनाव ना हो, तो आप मुझे कैसे चिंता से मुक्त कर सकते हैं? इस पर गुरुवर ने कहा, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे तुम ठीक से समझने की कोशिश करना। उन गुरुवर ने कुछ गीली लकड़ियां अपने आश्रम के पास से उठाई और उन्हें उस शिष्य के सामने रख दिया और कहा, इनमें आग लगा दो। उस शिष्य ने काफी कोशिश की, लेकिन उन गीली लकड़ियों में भला कहां आग लगने वाली थी। वह शिष्य परेशान हो गया, लेकिन उसमें आग नहीं लग पाई। इस पर उसने गुरुवर को कहा, हे गुरुदेव, इन गीली लकड़ियों में आग नहीं लग सकती है, इसमें आग लगाना संभव ही नहीं है। इस पर वो गुरुदेव कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन गीली लकड़ियों का क्या करोगे? इन्हें धूप में सुखाओगे या फिर इन गीली लकड़ियों को लेकर सोचते रहोगे, चिंतित रहोगे और तनाव में रहोगे? तुम चाहो तो इन्हें धूप में सुखा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा,
और यदि तुम चिंता की जगह चिंतन करो तब तुम ये जरूर समझ सकते हो कि तुम इसकी जगह पर कुछ सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो और जिनमें आग लगाना भी संभव होगा। इस पर वो शिष्य गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जीवन तनाव से भरा हुआ क्यों है? ये जीवन तनाव मुक्त कैसे हो सकता है? और ऐसा क्यों है कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त नहीं जी पाते हैं? उस शिष्य की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन में कोई भी तनाव नहीं है। बाहरी तौर पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता है। जो भी तनाव उत्पन्न होता है वो हमारे भीतर की ओर होता है। चिंता तुम भीतर की ओर करते हो, और जहाँ चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहाँ सफलता नहीं होती, कार्य सही नहीं होते, हमारी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती है, जिस कारण हमारे सारे कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और हम और भी ज्यादा तनाव महसूस करने लग जाते हैं और भी ज्यादा चिंतित रहने लग जाते हैं। फिर वो गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, यदि चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो हम अपने जीवन में कभी भी तनाव महसूस ही नहीं करेंगे और ना ही हम कभी चिंता करेंगे, और हमारा जीवन भी खुशी और खुशहाल तौर पर चलता रहेगा। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यदि ये लकड़ियां मुझे सूखी मिल जाएं, तो मैं इनमें आसानी से आग लगा सकता हूं और मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा। तो हमारा तनाव इन लकड़ियों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि कोई इस बात को पहले से ही स्वीकार कर ले कि जीवन में यदि हमें हमेशा सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, तो वो पहले से ही उन सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लेगा। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, अगर उसे सूखी लकड़ियां ना भी मिले तो वह धैर्य रखता है, सब्र रखता है और उन गीली लकड़ियों को सुखाने का पूरा प्रयास भी करता है, ना कि उन गीली लकड़ियों को लेकर हाथों पर हाथ धरे बैठ जाता है और अलग अलग चिंताओं में डूब जाता है कि सूखी लकड़ियां मुझे क्यों नहीं मिली और किसी और को कैसे मिल गई। इस तरह की सोच रखने वाले लोग हमेशा तनाव ग्रसित रहते हैं, चिंतित रहते हैं और अपने जीवन को कभी भी खुशी और खुशहाल तौर पर नहीं जी पाते हैं। हमारा ये जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं, तो कुछ समस्याएं हम खुद उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि ये समस्याएं वास्तविकता में होती ही नहीं है। इस पर वो शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा स्पष्ट तौर पर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ। तभी वो गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर सन्यासी बनने क्यों आए थे? शिष्य ने कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में बहुत तनाव था। इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा, तो क्या इस जीवन में कोई तनाव नहीं है? इस पर शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, यहाँ पर भी तनाव है, जिस कारण मैं यह सन्यासी जीवन छोड़कर वापस अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूँ। तभी गुरुवर ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर हर कार्य को लेकर यही भाव उत्पन्न होता रहेगा कि मैं ये कैसे करूँगा, ये मुझसे होगा या फिर नहीं होगा, या फिर मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इन चीजों का सामना कैसे करूंगा, ये सारे भाव तुम्हारे मन के हैं। ये सारे भाव तब भी तुम्हारे मन में उत्पन्न होते थे जब तुम अपने परिवार के साथ थे, और जब तुम यहाँ पर आए थे तब भी तुम्हारे अंदर ये सारे भाव उत्पन्न होते रहे। इस पर वो शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे अंदर ये सारे भाव अभी तक उत्पन्न हो रहे हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ था और जब मैं यहाँ पर सन्यासी बनकर आपके सामने हूँ, तब भी मेरे अंदर ये सारे भाव उमड़ रहे हैं। इस पर गुरुवर ने कहा, ये समस्या तुम्हारे बाहर की नहीं है। यदि तुम कोई जगह छोड़ दो, कोई स्थान छोड़ दो, तो ये समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। ये समस्या तुम्हारे भीतर की है, ये तुम्हारा ही किया धरा है। तुमने बेवजह ही अपने मन में एक तनाव बना रखा है, क्योंकि तुम्हें कल्पना में जीना अच्छा लगता है, काल्पनिक सोच रखना अच्छा लगता है। तुम उन बातों को लेकर चिंतित रहते हो जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित होने की संभावना ही नहीं है। ऐसी ही सोच रख के तुम चिंता ग्रसित रहते हो और तुम्हारा तनाव
कभी खत्म नहीं होता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर समस्या का समाधान होता है और उस समाधान तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है और उन कर्मों का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा, तुम चिंता रहित हो जाओगे। इस पर वो शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया था, उससे ठीक पहले मुझे एक छोटा सा बालक मिला था। उस बालक को जोरों की भूख लगी थी। जब उससे मैंने कहा कि तुम इतने छोटे से बालक हो और तुम्हारे जीवन में अभी से तनाव है, अभी से चिंता है, तो तुम्हारा आगे चल के क्या होगा? इस पर उस बालक ने जवाब दिया था, हे गुरुवर, ये कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, बल्कि ये तो भूख है। तब मैं ये बात समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता का कोई समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन भूख का समाधान अवश्य ही हो सकता है। मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में इसी प्रकार की चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर हजार तरह के विचार उत्पन्न कर लेते हैं और उन विचारों को लेकर चिंतित रहते हैं? ऐसे नकारात्मक विचार जो कभी भी आपके जीवन में घटित हो ही नहीं सकते हैं, ऐसे विचारों को आप अपने मन ही मन पालते रहते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक बातें आप अपने दिमाग में पढ़ते रहते हैं, तो इन विचारों का क्या लाभ? क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आपको भी यही लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मित्रों, केवल एक समस्या का समाधान ढूंढिए, उन हजारों विचारों का नहीं, क्योंकि वो हजारों विचार आपके खुद के बनाए हुए हैं, काल्पनिक विचार हैं, और वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो आपसे बस यही कहेंगे कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, और आप उनकी बातें मान लेते हैं। इसलिए उन नकारात्मक विचारों को दूर रखिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए, क्योंकि चिंता और तनाव मुक्त रहने का यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी समस्या का समाधान कीजिए, उसके लिए कर्म कीजिए, और उस कर्म का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। अन्यथा आप केवल उन नकारात्मक विचारों में फंसे रह जाओगे और आप अपने जीवन को कभी भी तनाव मुक्त या फिर चिंता रहित नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।